अगर एक भी बच्चा अपने दिल में मेरी बातों को बैठा ले और उसकी जिंदगी बन जाए, सो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देवट अग्रवाल है और हमेशा की तरह एक नया मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए। दोस्तों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप मोटिवेट कैसे रहते हैं, क्योंकि वो लोग भी मोटिवेट रहना चाहते हैं, हर कोई मोटिवेट रहना चाहता है। आज की डेट में सफलता पाना है तो मोटिवेट तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि डीमोटिवेटेड आदमी ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकता, ये बात तो आप सब जानते हैं। दोस्तों आपने एक बात कभी नोटिस की है कि कभी कोई जब हम नया काम शुरू करते हैं, आज कोई भी जब नया काम शुरू करता है तो वो एक डिज़ायर होती है उस काम को शुरू करने के लिए, और डिज़ायर में वो एक आग पैदा होती है, पर वो धीरे धीरे कम होती जाती है और एक दिन बिल्कुल बंद ही हो जाती है, और उस दिन उनको लगता है कि ये काम उनके लिए सूटेबल नहीं है और दूसरा काम वो ढूंढते हैं। यही चीज़ होती है मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में, और यही चीज़ किसी भी फील्ड में होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पर वो जो होता है वो कुछ ही दिनों के लिए होता है। एक चीज तो आप भी मानेंगे कि अगर आपके मोबाइल में कांस्टेंट वोल्टेज ना आए, वोल्टेज फ्लक्चुएट करें या वोल्टेज आए और चले जाएं, तो भी आपका मोबाइल वर्किंग नहीं होगा। तो वैसे ही यह हमारे जो हौसले होते हैं या हमारे जो डिज़ायर है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरी कभी नहीं करना चाहिए। और लाइफ में असफलता का ये सबसे पहला चरण होता है कि आप अपने फैसलों पर ही नहीं टिकते, हमेशा फैसले बदलते रहते हैं। आज ये करना है तो कल वो करना है, परसों ये नरसों ये। चार दिन तक तो एक हमें जुनून रहता है, आग बनी रहती है कि हाँ चलो ये कुछ कर दिखाएं, ये कुछ कर जाएं, पर पांचवें दिन बाद जब वो चीज़ नहीं होती है तो वो ठंडी हो जाती है। दोस्तों ऐसे ही मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर आप मोटिवेट होने के लिए आप क्या करते हो, तो मैं अपने वीडियो देखता हूँ, मैं औरों के वीडियो देखता हूँ, या मैं बुकें पढ़ता हूँ, या फिर अपने घर वालों से साथ बातें करता हूँ, या मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ, या ऐसे लोगों के साथ मैं बातें करता हूँ जो अपनी लाइफ में अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और मोटिवेट हैं, ताकि उनको तब जब मैं उनके साथ बातें करता हूँ तो मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ। दोस्तों वैसे ही आपको भी करना है। दोस्तों लोग अपने आप को मोटिवेट तो कर लेते हैं, पर कब तक ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हर दिन अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज नहाएंगे तो आज के दिन आप काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे, पर अगले दिन थोड़ा सा कम करेंगे, पर उसके अगले दिन थोड़ा और कम, और तीसरे चौथे दिन आपके शरीर से बदबू आने लगेगी। जैसे आज आप खाना खाएंगे तो आपका पेट भरा होगा, पर अगले दिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो पेट खाली हो जाएगा, उसके अगले दिन आप खाना नहीं खाएंगे सो हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएं, और उसके अगले दिन हो सकता है आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। वैसा ही दोस्तों मोटिवेशन भी ऐसे ही है कि हर दिन हमें मोटिवेशन का डोज लेना होता है, हर दिन कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है मोटिवेट की। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ जो हमने बोल दिया और एक चीज़ जो आपने सुन लिया उससे आप मोटिवेट हो गए, क्योंकि दोस्तों उससे लगने वाली जो आग होती है, डिज़ायर होती है, वो कुछ ही समय तक होती है किसी भी आदमी तक, और वो फिर धीरे धीरे बुझने लगती है। उस आग को बनाए रखने के लिए आपको फिर से मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको हमेशा से एक बात कहता हूँ कि अपने लाइफ में थोड़ा सा समय मोटिवेशन के लिए ज़रूर निकालिए। आप मोटिवेशन के लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ वीडियो सुन सकते हैं, आप लेख भी पढ़ सकते हैं, आप बुकें पढ़ सकते हैं, आप अपने उन लोगों से साथ बातें कर सकते हैं जो लाइफ में बहुत मोटिवेट हैं, या फिर अगर आप मैं बोलूँ आप सवेरे आप योगासन कर सकते हैं, और बहुत कुछ है दोस्तों इस ज़िंदगी में मोटिवेट होने के लिए। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम शुरुआत के टाइम पर तो बहुत डिज़ायरेबल होते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, पर धीरे धीरे हमारी मेहनत कम होती जाती है, और एक दिन हमें ऐसा लगता है कि हम बेमतलब मेहनत कर रहे हैं, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। सो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि कड़ी मेहनत तो आपने की है, पर सही प्रैक्टिस आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको रोक पाए। दोस्तों जो लोग रेगुलर मेहनत करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं उनको जीवन में कभी भी कोई चीज़ रोक नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण दूँ, अगर संगीतकार के तौर पर मैं उदाहरण दूँ, तो रविशंकर का आपने नाम सुना होगा। वो 40 साल से और उनका काफ़ी नाम है, और वो 40 साल लगातार हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। रविशंकर जी से किसी ने एक दिन कहा था कि आप इतने अनुभवी हैं, 40 साल का एक्सपीरियंस है, अब आपको प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, आप तो सीधे जाते होंगे और बस आप तो माहौल खींच देते होंगे। तो उस वक्त पर रविशंकर जी का कहना ये है कि
अगर मैं एक दिन की भी प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे इधर दिल पे मुझे पता चल जाता है कि आज जो मैंने बजाया वो उतना सही नहीं था जितना कल था। अगर मैं एक हफ्ता प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे साथ में खड़े हुए बंदे को पता चल जाता है कि वो जितना सही था, जो मेरे हमेशा साथ रहता है, जो मेरा असिस्टेंट रहता है, उसको पता चल जाएगा कि जो मैं पहले बजाता था वो इस तरह से बजा नहीं रहा। और अगर मैं एक महीना प्रैक्टिस ना करूं तो सामने बैठी ऑडियंस मुझे बता देगी कि ये रवि शंकर पहले जो बजाता था वो आज वैसा नहीं बजा रहा। दोस्तों, ज़िंदगी में जो लोग नियम पूर्वक हर दिन प्रैक्टिस करते हैं वही लोग सफलता की सीढ़ी को चूमते हैं, और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते वो लोग जिंदगी में कहीं भी नहीं रहते। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कोई भी बड़ा अगर टेक्नीशियन हो या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में, क्या वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा? डॉक्टर की बात करूँ, वकील की बात करूँ, या किसी की भी बात करूँ, वो अपनी लाइफ में हर दिन प्रैक्टिस कर रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा है और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे सो जीवन में दोस्तों आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। बट जो हमारे नए नौजवान हैं, जो नए हमारे ट्रेनिंग स्टूडेंट हैं, जो इस फील्ड में नए नए आते हैं, उनकी सोच ही अलग होती है। उनको लगता है कि बस 4-5 दिन कुछ ऐसा सिखा दो कि बस आगे जाकर तो मैं सीधे बस लगातार काम करते जाऊं और रिजल्ट पैदा करते जाऊं। और दोस्तों वो बस एक चीज़ नहीं करना चाहते अपने साथ, प्रैक्टिस। उनको लगता है कि 10 दिन तो प्रैक्टिस की है हमने, अब मुझे प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है? पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और इस पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार हमें अपने आप से इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं। कई बार हम अपने आप को सीधे बड़े लेवल पे ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप भी बताइए, जब आप बच्चे थे तो क्या आपने कॉलेज से पढ़ाई चालू की? नहीं ना, स्कूल पहले गए, फिर उसके बाद में कॉलेज, फिर उसके बाद में फिर आपने और बड़ी बड़ी लेवल पे पढ़ाई की होगी। वैसे ही कुछ मोबाइल रिपेयरिंग होता है, तो किस तरीके से डिजायर पैदा की जाए और किस तरीके से आग पैदा की जाए, अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको बहुत छोटी सी कहानी उसको सुनाता हूँ। और ये कहानी बहुत पुरानी है। एक लड़के ने एक महर्षि से पूछा कि मुझे सफल होना है और मुझे सफल होने के लिए क्या जरूरी है, मुझे पहले वो चीज़ बताओ तो मैं वो चीज़ पैदा करूँगा। तो ठीक है, ऋषि बोलता है ठीक है, मैं तो मैं बताता हूँ सफल होने की क्या ज़रूरी है। तुम एक काम करो, तुम अगले दिन मेरे को आके मिलो। सो वो अगले दिन उसके पास आते हैं। सो वो ऋषि उसको नदी के बीचों बीच ले आता है और नदी के बीचों बीच लाकर उसको बोलता है अपनी आँखें बंद, और उसका सिर पानी के अंदर घुसा देता है और उसको प्रेशर से पानी के अंदर ही रखता है कुछ देर तक। जब उसकी सांसें निकलने लगती हैं तो वो छटपटाता है और महर्षि जो ऋषि होते हैं उनको थोड़ा सा धक्का देता है और अपने आप को बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जैसे तैसे करके बाहर निकल आता है और चैन की सांस लेता है। फिर बोलता है आप तो मुझे मारने वाले हो। सो वो ऋषि बोलता है अच्छा तुम एक बात मुझे बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुमको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था, क्या जरूरत थी तुम्हारी, क्या नीड्स से तुम्हारे? तो उसने कहा कि सांस, मुझे सांस नहीं आ रही थी तो मुझे सांस चाहिए थी। तो तुमने क्या किया? तो बोला कि मैं घबरा गया था और मैं घबरा कर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी ऊपर आने में, क्योंकि आपने भी बहुत जम के दबाया था ऊपर से सर, तो बट मैं निकल आया। उन्होंने कहा कि यही चीज़ तुमको चाहिए सफल होने के लिए, वो जो तुमने सांस लेने के लिए वो जो ताकत पैदा की वही चाह तुमको चाहिए सफल होने के लिए। जिस दिन तुम वो चाह वो ताकत पैदा कर लोगे, तुमको उस दुनिया में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों जीवन में सफल होना है तो वो ताकत पैदा करो, और वो ताकत पैदा होती है वो चाह से, वो जिसको हम बोलते हैं डिज़ायर, और जिसको मैं बोलता हूँ बर्निंग डिज़ायर, कि अगर मेरे में एक डिज़ायर है तो उसमें आग लगनी चाहिए, और बर्निंग डिज़ायर ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। पर जब तक वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, जब तक कि वो स्टेबल नहीं रहेगी, वो जब तक कि वो कांस्टेंट नहीं रहेगी तब तक आप उसको भी नहीं पा सकते। अगर वो आप सिर्फ 10 दिन की बर्निंग डिज़ायर रखोगे और 10 दिन के बाद वो भूल जाएगी, तो दोस्तों जीवन में 10 दिन के अंदर तो कोई सफल नहीं हुआ है। सफल होने के लिए लोगों ने अपनी पूरी उम्र लगा दी है, सो आपको भी अपनी उम्र देनी होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।